नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश मर्दने और स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल ज्ञानदीप ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम पढ़ने वाले क्या है, फोल्डिंग अनफोल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ये किसका नवोदय का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले है। तो चलो दो आज के स्टूडियो को हम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फोल्डिंग अनफोल्डिंग होता क्या है, ये कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ फोल्डिंग अनफोल्डिंग होता क्या है, ठीक है। सो कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, एक ऐसा स्क्वायर टाइप का या फिर सर्कल टाइप का या फिर ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल टाइप का कोई एक ऐसा आपको शेप दिख जाएगा। और उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको ऐसी कुछ ऐसी इमेज दिखेगी आपको, ठीक है ना, इसका सेंटर लाइन बनाएंगे और उसको फोल्ड कर देंगे। बाद में क्या दिखाएंगे, इसको फोल्ड करने के बाद दोस्तों क्या इतना सरफेस आएगा, फिर इनका भी मिडल आउट करेंगे और फिर ऐसे दिखेंगे दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि क्या ये स्क्वायर बन गया, ठीक है दोस्तों। अभी क्या स्क्वायर में वो दोस्तों इच में कुछ कटआउट्स जैसे कैसे आपको दिखाएंगे और कहेंगे आगे, फिर आपको आपके पास कितना चार ऑप्शन दिया रहेगा और आपको फाइंड आउट करना होगा कि इस जो ये फोल्डेड ये जो डायग्राम है, ये जो स्क्वायर बना है इस बड़े स्क्वायर का, इसको अनफोल्डेड करके कैसा दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि अभी आप देख सकते हो ये यहाँ पे एक डॉट है, यानी कि अभी ये यहाँ से आ गया था, यानी कि इसको भी हम उल्टा करेंगे, यानी कि ये वाला एक और अभी ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट था, ये खुल के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे भी एक बनेगा, और फिर ये स्क्वायर था सेम, यानी कि इसका जो है वो हमें यहाँ पे मिरर इमेज बता देना है। हम पिछले वीडियो में पढ़ लिए मिरर इमेज क्या होता है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे विद 3D शेप। So, मैं इसको फटक से क्या रफ कर देता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी हमने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, अब हम इसको क्या सॉल्व आउट करेंगे। सो क्वेश्चन आपको दिख सकता है यहाँ पे इस टाइप को, कुछ जैसा स्क्वायर जैसा है, ठीक है। बाद में उस स्क्वायर को क्या किया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां से यहाँ फोल्ड किया है ट्रायंगल में, ठीक है, और ट्रायंगल में ऐसा कुछ शेप बना दिया, यानी कि ऐसे करने के बाद ये लगभग ऐसा बनेगा, और इसमें उन्होंने एक सर्कल यानी कि ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और हमें अभी ये फाइंड आउट करने की, ये अगर हम अनफोल्ड कर दें तो ये कैसे दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे एक पेपर भी लिया है इसको सॉल्व करने में, ताकि हमें आसानी मिल जाए। तो मैं अभी इसके साथ इसको रख के सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो ये क्या स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, इसको यहाँ से यहाँ लाया है और एक ट्राइंगल बनाया है। तो मैं भी यहां से इसको यहां फैलाता हूं और एक ट्रायंगल बना देता हूं। ओके, तो अभी हमारा लगभग पेपर भी एक है, एक स्क्वायर है, और इसे हम ऐसा फोल्ड करने के बाद ये देखो इसके जैसे क्या ट्रायंगल हुआ है, बढ़ेंगे आगे की तरफ। ये ट्रायंगल को भी उन्होंने क्या बीच में डिवाइड करके इसको भी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, यानी कि हम इसमें, यानी कि ये देखो यहाँ पे कोई एक सेंटर यानी कि एक एंगल बन रहा है, तो हम भी यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। और ये लगभग लगभग इस तरह, यानी कि ऐसा था, यहाँ से एंगल बनाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अभी हमें पूछा है ऐसा बनाने के बाद यहाँ पे कुछ एक सर्कल जैसा है, ठीक है। मैं अभी इसको थोड़ा सा फाड़ देता हूं ताकि हमारा लगभग सर्कल ही बन जाए, सर्कल तो नहीं बनेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको फाड़ दिया है, कट कर दिया है, ओके। सो यानी कि लगभग इस तरह। अभी इसको खोलने के बाद सबसे पहले सब कैसे खुलेंगे, डायरेक्टली तो नहीं खुलेंगे, इसको इसको किससे ट्रांसफर किया है, इससे ट्रांसफर, पहले हमें इसको इसमें फिर अनफोल्ड करना होगा, यानी कि इससे पहले हमने इस वाले में ट्रांसफर किया था, तो इसके जैसे हम अनफोल्ड करेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे,
आया इसके जैसा, और बाद में इसको हमने किस इस इसको हमने किस में ट्रांसफर किया था, इससे हमें हमें ये डायग्राम इससे मिली थी, ठीक है, इसको फोल्ड आउट करने की, सॉरी, फिर अब क्या करेंगे, इसको भी खोल देंगे। तो ये यहाँ तक था, इसको भी हम अभी खोल देंगे, यानी कि ये जो है वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारी जो डायग्राम है वो कैसी बनेगी, ऐसी, यानी कि हमारा जो आंसर है वो एक्स स्क्वायर होगा, ओके, और ये वाली लाइन है जिसे आप देख सकते हो, सो ये, और उसके साइड में दो दो सर्कल्स रहेंगे, यानी कि ये जो हमारा आंसर है वो इस तरह का होगा, ठीक है, रफ करेंगे इसको फटक से, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हम अभी अगला क्वेश्चन लिखेंगे जो कि एक ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है, सो यहाँ पे मैंने फिर से एक ट्रायंगल ले रखा है, अभी हम इसके ऊपर ही सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, सो ये ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ठीक है, सो आगे क्या है, ये ट्रायंगल को यहाँ से इन्होंने फोल्ड कर दिया है, तो हम भी यहाँ से इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है दोस्तों, सो कर दिया है हमने भी इसको यहाँ से फोल्ड, आगे बढ़ेंगे, इसका इनका ये शेप, हमका भी ये शेप है, इसको यहाँ से इन्होंने फोल्ड आउट कर दिया है फिर से, यानी कि ये जो इसका जो ये कोना है ना, इसका जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के ऊपर जाके मिलना चाहिए, यानी कि ये एंगल इसके ऊपर लगभग, सो मिलाएंगे जल्दी से फटक से 2 मिनट में, सो ठीक है, हमने ये भी कर दिया, अब ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, अभी इसको क्या, यहां से भी हमें इसको फोल्ड आउट करना है, सो यहां से भी हम इसको फोल्ड आउट कर देंगे, तो हमारा फाइनली जाके ये ऐसा बन रहा है दोस्तों, ठीक है, ये ऐसा, ओके, सो हमें क्या पूछे, जब ये खुलेगा, जब ये अनफोल्डिंग होगा, अनफोल्डेड होगा, तभी जाके कैसे दिखने वाला है, ठीक, सो जल्दी से फटक से करेंगे इसको, पूरा पूरा खोल देंगे, इस शेप में आया, अभी हमें इस शेप में लाना है, ऐसा लाया, अभी हम इस शेप में लाया ना है, ये तो पहले से आ चुका है, ठीक है, इस शेप में लाना है, ला दिया, क्या दिख रहा है दोस्तों, आंसर जो है हमारा वो होगा, बीच में एक लाइन दिख रही है दोस्तों, जी हाँ दिख रही है, नहीं सबसे पहले इस तरफ से जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे यहां से किया, यानी कि यहां से आया, ठीक है, तो यहां से आने के बाद यहां पे गया, यानी कि ये बीच में वाली लाइन आ गई, ये सीधी हुई, ये वाली भी, अब बची थोड़ा सा यहां से नीचे जाएगा और थोड़ा सा ऊपर, यानी कि इस तरह से, ठीक है, यानी कि जो आखिरी वाला जो फेस है वो थोड़ा क्रॉस में ये बन गया, यानी कि हमारा जो आंसर है वो जब ये अनफोल्डेड होगा, अनफोल्डेड, तब जाके कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। सो दोस्तों वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पहले सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।